नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी हम हैं ओझा टोली घाट पर और घाट पर का नज़ारा आपको दिखला देते हैं। ये बोलिए भैया, एक टिकट दीजिए भैया, एक रुपया दीजिए। 50 किसका है भैया? मेरा है, लो लीजिए, काटिए। नमस्कार दोस्तों, ये है साहेबगंज का ओझा टोली घाट और अब टिकट लेने के बाद हम मम्मी को लेकर जा रहे हैं लंच में, और लंच में उनको बैठाने के बाद आगे का सारा हाल यानी कि ओझा टोली का सारा विवरण आपको देंगे और पूरा आपको दृश्य दिखलाएंगे किस प्रकार का ये यहाँ का दृश्य है और क्या क्या होता है। तो चलिए पहले चलते हैं और इनको पहले बैठाते हैं और उसके बाद फिर आपसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियो को। और दोस्तों, अब हम लोग लंच के अंदर आ गए हैं और लंच में सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और हमें भी अपनी सीट मिल गई है। और आइए देखते हैं लंच के अंदर का नज़ारा कुछ किस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सभी अब लंच के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। और आइए देखते हैं बाहर से ये खिड़की से गंगा जी किस प्रकार की दिखाई दे रही है। तो चलिए देखिए कि ये कितना साफ पानी है और इस प्रकार का व्यू मिल रहा है बाहर का, ये गंगा जी का। और अब थोड़ी देर में लगभग 15-20 मिनट में हमारी लंच यहाँ से खुलेगी और आगे की तरफ मनिहारी की तरफ प्रस्थान करेगी दोस्तों। मम्मी को LCT में बैठाने के बाद मैं आ गया इससे बाहर और अब बाहर आने के बाद आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम लोग जल्दी जल्दी में LCT को पकड़े हैं और जल्दी से टिकट लेकर के फिर उनको जगह दिलवाया। और अब आपको यहाँ दिखलाएंगे यहाँ का पूरा दृश्य। तो दोस्तों, यही है LCT जो कि अभी मनिहारी जाएगी। सुबह के बज रहे हैं 10:15 और 10:30 बजे ये खुलेगी और इसको खुलने में लगभग अभी 15 मिनट है और पहुँचने में इसको 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा। और देखिए, ये आपकी है गंगा नदी, साहेबगंज की गंगा नदी, और गंगा नदी का प्यारा सा तट देखिए। दूर में भी आपको एक सिख दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। अभी हम हैं ओझा टोली घाट पर और घाट पर का नज़ारा आपको दिखा देते हैं। ये घाट पर कुछ इस प्रकार का व्यू है, देखिए दोस्तों। यहाँ पर अभी हमने टिकट लिया और देखिए आपको बता देते हैं टिकट कहाँ से मिलता है। टिकट के लिए ये जगह है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और आपको नाव के बारे में दिखाया है, वहाँ से आप जा सकते हैं। और यह है वेटिंग रूम जिसको आप बोल सकते हैं, और यहाँ से टिकट वगैरह लीजिए। और ये थोड़ा सा टी स्टॉल है। और दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ओझा टोली में शिव जी का विशाल मंदिर, दोनों मंदिर शिव जी का है, बाबा गंगेश्वर नाथ धाम। इसके पास का नज़ारा दिखलाते हैं। और यही है ओझा टोली का बड़ा सा घाट। और यहाँ पर एक नाव की रिपेयरिंग चल रही है। काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है दोस्तों, तो चलिए। और इस तरफ थोड़े फसल लगे हुए हैं नीचे घाट की तरफ। पहले शकुंतला घाट से दोस्तों आपको बता दें कि पहले शकुंतला घाट से नाव चलती थी, लेकिन वहाँ पर पानी कम होने के कारण अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं ओझा टोली में, और यहाँ से लंच मनिहारी जाती है और वहाँ से आती है। यहाँ पर थोड़ी दूर में देखिए फसल वगैरह लगे हुए हैं ऊपर जाने के लिए, बने रहिए अब दोस्तों मेरे साथ।
अब यहाँ से आप इस मंदिर का नज़ारा देख सकते हैं, एक माँ भवानी पार्वती मंदिर और दूसरा गंगानाथ धाम मंदिर साहेबगंज। तो दोस्तों यही था रजत गुड़ी का एक छोटा सा नज़ारा। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में किसी नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।